बढ़ते हैं ऑपरेटर्स की तरफ कि हमारे पास कितनी किस्म के ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं और कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटर्स में जो सबसे पहले हमारे पास आता है ये रेफरेंस टाइप था, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया ऑपरेटर्स। अब हम ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटर्स में सबसे पहले हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं, जिसके बारे में आपको बखूबी पता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स आते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स, यूनिटी ऑपरेटर्स, तो यूनिटी ऑपरेटर्स है। फिर उसके अलावा हमारे पास कंकैटिनेशन, तो इतनी किस्म के ऑपरेटर्स हमारे पास यूज़ होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में आपको पता है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कितनी टाइप्स के होते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो ये सारी फॉर्म्स आती हैं अर्थमेटिक में, ठीक है। सब्ट्रैक्शन वगैरह, लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास लॉजिकल में जो एंड, ठीक है, फिर उसके अलावा हमारे पास जो और ऑपरेटर्स, ठीक है, फिर उसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेटर्स में कंपैरिजन जिसमें हम कंपेयर कर रहे होते हैं, इक्वल टू का साइन होता है, नॉट इक्वल टू का साइन होता है, लेस देन का साइन होता है, ग्रेटर देन का साइन होता है, ठीक है, तो ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में इक्वलिटी का जो साइन है वो आता है, और उसके अलावा फाइनरी ऑपरेटर्स जो तीन, बाइनरी, यूनिटी और फाइनरी, जो ट्राइनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो तीन किस्म के ऑपरेंड्स को लेते हैं और इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि बाइनरी के अंदर दो ऑपरेंड होते हैं और एक ऑपरेटर होता है। यूनिटी के अंदर हमारे पास एक ही किस्म का ऑपरेटर होता है, तो इसके अंदर हमारे पास बाइनरी और यूनिटी में हमारा जो यूनिटी होता है उसमें एक ही इंक्रीमेंट का ऑपरेटर हो गया, फिर उसके अलावा ये हमारे पास बेस कर रहा था, ये बाइनरी है, ठीक हो गया। दो ऑपरेंड्स और उनके सेंटर में क्या है, एक ऑपरेटर है, ये बाइनरी ऑपरेटर्स। यूनिटी ऑपरेटर्स में इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल भी हम इसको यूज़ करते हैं, इंक्रीमेंटल ऑपरेटर और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर, इसके बारे में आपको बखूबी इल्म है। कंकैटिनेशन ये हमारे पास ऑपरेटर्स में एडिशन आती है, और उसके अलावा हमारे पास जो डॉलर साइन है वो एक कंकैटिनेशन ऑपरेटर्स है, ठीक है। तो ऑपरेटर्स के बारे में कंकैटिनेशन आता है, उसके अलावा प्लस आता है, तो डॉलर साइन के अलावा प्लस का साइन कंकैटिनेशन ऑपरेटर के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आगे हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस कि कहाँ कहाँ पर इनकी यूज़बिलिटी है और किस किस तरह से ये यूज़ होते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज के लेक्चर में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस हुई है या आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे ईमेल पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का ज़रूर आंसर करूँगा, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।